गुरुशान टेंगली जी मेरे साथ हैं जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो फिलहाल मेरे साथ हैं। आपका नॉमिनेशन हो गया है अन्ना, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हूँ, पहली बार नॉमिनेशन भरा हूँ। एक ख्वाहिश है कलबुर्गी नॉर्थ में इस बार केसरी भगवा छद ध्वज फैलाने का, एक बहुत ख्वाहिश है इस बार होगा। वो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र पक्ष से लड़ रहा हूँ, इस बार 100% जीतेगा। अच्छा टेंगली जी, मैं आपको यहाँ पर एक रोकना चाह रहा हूँ, आपको वोट अपना लोग क्यों दे? वोट काफी कीमती होता है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, तो क्या निम्नलिखित वोट करना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप जी। मैं 20 साल से इस समाज सेवा में गिरा हूँ, आज मेरे को 36 साल है, 20 सालों में मैं इस समाज सेवा में आगे बीजेपी में एक 9 साल काम किया, परिवार में काम किया, समाज के दूसरे संगठन में काम किया, हिंदुत्व के लिए लड़ा हूँ मैं, मेरा जिंदगी इस धर्म के लिए, इस देश के लिए मैं रखा हूँ, इसलिए मैं ये काम को देख के लोग मुझे वोट करेगा। घर का बेटा हूँ मैं, उत्तर का नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी का, इसलिए हर घर में पहचानते हैं। मैं एक साल से घर घर को जाके पॉम्पलेट्स देके ऐसा आदमी हूँ बोल के मेरे को वोट देना पूछा हूँ, इस बार 100% मेरे को वोट देगा। ओके तो टेंगली साहब, एक जनरल आप अपने इसमें क्या बोलेंगे, अपने एक अंदाज में बोलिए लोगों की, आप मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे जिताइए। कन्नड़ में 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇದೆ, ಈ ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇಸ್ಲೇ ಈ ಕೆಲಸದ ಸಲುವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜ, ಈ ದೇಶ, ಈ ಧರ್ಮದ ಸಲುವಾಗಿ ಎಂಥದ್ದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಾನು ಜನರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅನ್ನದೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸರಿ ನನಗೆ ಆರಿಸ್ತರಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಜನರ ಜೊತೆ